सिलोरियंस, यानी लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद एक आधुनिक सभ्यता। क्या यह संभव है कि इंसानों से भी लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर कोई आधुनिक सभ्यता मौजूद रही हो? 3.8 अरब साल पहले धरती पर पहली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुई। 1.6 अरब साल पहले धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत हुई। 2.5 करोड़ साल पहले एप्स पृथ्वी पर इवॉल्व हुए। इंसानों के पहले पूर्वज 20 लाख साल पहले आए। मॉडर्न ह्यूमंस पृथ्वी पर पिछले 3 लाख साल से मौजूद हैं, और हम इंसानों की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन सिर्फ 3 सेंचुरीज तक चली है। पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास में इंसानी सभ्यता का टाइम पीरियड आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ऐसे में अरबों साल के इतिहास में क्या ये संभव नहीं है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमसे पहले रही हो? ये कल्पना हमारे मन की उपज नहीं है, बल्कि 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के डायरेक्टर गैविन श्माइट के द्वारा रखा गया एक हाइपोथेसिस है। सो गाइस, वेलकम टू सिलोरियन हाइपोथेसिस, यानी 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद एक आधुनिक सभ्यता। सिलोरियन हाइपोथेसिस के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतने बड़े इतिहास में संभव है कि कुछ ऐसे पल मिसिंग हैं जिन्हें अनजाने में हम इग्नोर कर रहे हों, और ये सोचने का कारण है कार्बोनिफेरस एरा, यानी 350 मिलियन साल पहले धरती पर इतना ज्यादा सफिशिएंट कार्बन फॉसिल फ्यूल मौजूद था जिसे आज के इंसानों जैसी सिविलाइजेशन द्वारा यूज किया जा सकता है। तो हो सकता है कि ऐसी सिविलाइजेशन पहले भी रही हो। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पहले से ही मान लिया है कि हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही ही नहीं होगी, और इस वजह से हम इसके प्रूफ्स को इग्नोर कर रहे हों। और हो सकता है कि किसी पुरानी एडवांस सिविलाइजेशन के फॉसिल रिकॉर्ड्स अब तक नोटिस ही नहीं किए गए हों। हम जानते हैं कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हमारी जैसी सिविलाइजेशंस 5000 साल पहले मौजूद थीं, लेकिन इन सभ्यताओं के भी कुछ ऐसे एडवांस कारनामे हैं जिन्हें हम इंसान आज भी नहीं समझ पाए हैं। 2000 साल पहले प्राचीन ग्रीक सभ्यता में मिली एंटी कायथेरा मैकेनिज्म को वैज्ञानिक एक ओल्डेस्ट एनालॉग कंप्यूटर की तरह मानते हैं, जिसका यूज एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन और एक्लिप्स को पता करने के लिए होता था। 23 लाख पत्थरों से बनाए गए विशाल पिरामिड्स, जिनमें एक एक पत्थर का वजन कम से कम 2.5 टन के बराबर है, और इन्हें कैसे उठाकर रखा गया होगा वैज्ञानिक आज भी सोच में पड़े हैं। और तो और, कुछ ऐसे एडवांस इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स जिन पर उतारी गई आकृतियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये कितने एडवांस रहे होंगे। और ये सब सोचकर हमारा दिल धड़कने लगता है, और हम खोज करना चाहते हैं उन एडवांस लोगों की जो हमसे पहले पृथ्वी पर बहुत सारे कांड कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ आकर साइंटिस्ट्स ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम इस पॉसिबिलिटी को भी लेकर चलें, यानी कि हो सकता है कि हमसे पहले मौजूद कोई आधुनिक सभ्यता धरती के अंदर दफन हो और हमें उसकी कोई खैर खबर ही ना हो। मान लीजिए कि अगर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से खत्म हो जाए, तो सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सब इंसान खत्म हो जाएंगे, तो क्या आज से हजारों साल बाद हमारी फॉसिल एविडेंस मिल पाएगी? क्या हमारे बनाए गए इन्वेंशन के एविडेंस धरती के गर्भ में कहीं ना कहीं मिल पाएंगे? पर सवाल ये है कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी तो हमें आज तक उनकी खोपड़ी, कंकाल कुछ तो मिलना चाहिए था। तो कहां पर है वो सब सबूत? आज हम जानते हैं कि 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर पैदा हुए थे, और 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन आज हमें डायनासोर्स के सबूत मिल रहे हैं फॉसिल एविडेंस के रूप में। पर सवाल ये है कि डायनासोर ने पृथ्वी पर 150 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक राज किया, और इतने समय में डायनासोर की करोड़ों जेनरेशंस पैदा हुई और खत्म हो गईं। ऐसे में कुल मिलाकर अरबों की संख्या में बड़े बड़े डायनासोर्स धरती पर थे। लेकिन आज के समय में क्या हमें इन डायनासोर्स के फॉसिल करोड़ों की संख्या में मिले, या लाखों की संख्या में, या इवन कई हजारों की संख्या में? आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबों की संख्या में मौजूद डायनासोर्स के सिर्फ 11,000 फॉसिल्स ही पूरी दुनिया में अब तक हमें मिले हैं। जब इतने बड़े डायनासोर के फॉसिल ही इतने कम मिल रहे हैं,
तो एडवांस इंसानों के फॉसिल मिलना कितना मुश्किल होगा। और इसका कारण है धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की लगातार मूवमेंट। जहां आप आज रहते हो, करोड़ों साल बाद आपकी जगह पर आपकी हड्डियां धरती के 1000, 2000 फीट या समुद्र की गहराई में 100, 200 फीट में जाकर मिलेंगी। जहां आज हरियाली है, कभी वहां सूखा था। जहां कभी सूखा था, वहां आज हरियाली है। धरती पर मौजूद सबसे पुराना लैंड 1.8 मिलियन साल पुराना ही है, जो कि इसराइल का नेजल डेजर्ट है। और इन सब कारणों से ये अजम्पशन लिया जा सकता है कि अभी तक हमसे पहले मौजूद एडवांस सिविलाइजेशन के सबूत हमें शायद इस वजह से ना मिले हों, क्योंकि हो सकता है कि उसके सबूत धरती की गहराई में किसी ऐसी जगह छुपे हों जहां तक हम पहुंच ही ना पाए हों। किसी सिविलाइजेशन और उसमें मौजूद लोगों के होने के सबूत हमें मिलते हैं फॉसिलाइजेशन से। फॉसिलाइजेशन यानी किसी जीव के शरीर के अवशेषों का लंबे समय तक धरती के अंदर किसी भी तरह सर्वाइव कर जाना। लेकिन ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों में से किसी एक जीव के लिए ही पॉसिबल हो पाती है। उदाहरण के तौर पे आज से 65 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स की टीरेक्स प्रजाति की संख्या करीब 2 से 2.5 अरब थी और इनकी 1 लाख से ज्यादा जेनरेशंस हुई थी। लेकिन इतनी अधिक संख्या और इतने बड़े साइज और मोटी हड्डियों के बावजूद हमें आज टीरेक्स की मात्र 32 फॉसिल्स ही मिल पाए हैं, जिसका मतलब है कि 80 मिलियन टीरेक्स में से किसी एक टीरेक्स का फॉसिलाइजेशन हुआ। और अगर आज हमारी पूरी धरती पर मौजूद इंसानों की सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, तो इन 8 अरब में से कितने इंसानों की हड्डियों का फॉसिलाइजेशन होगा, वो भी कई करोड़ साल बाद। क्या करोड़ों साल बाद पैदा हुई कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमारी फॉसिल एविडेंस किसी तरह ढूंढ पाएगी? हमें पृथ्वी पर आए हुए 30 लाख साल ही हुए हैं। इतने सालों में क्या पृथ्वी पर हमारे सबूत किसी तरह सर्वाइव कर पाएंगे? इसी तरह अगर कोई सिविलाइजेशन पास्ट में एग्जिस्ट रही भी हो, तो उसके सबूत भी आज इतनी बड़ी पृथ्वी पर हमारे लिए अननोटिसेबल हैं। इसीलिए यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी इनडायरेक्ट एविडेंस की। पर सवाल है कि वो इनडायरेक्ट सबूत क्या है। पहला सबूत, अगर हम एंशिएंट आइस कोर्स में कार्बन के आइसोटोप C12 की उपस्थिति पता कर लें, तो ये एडवांस सिविलाइजेशन की ओर इंडिकेट कर सकती है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो उससे निकलने वाली CO2 में C12 की उपस्थिति होती है। कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के चलते ये CO2 आइस कोर्स में गैस के साथ ट्रैप हो जाती है। अगर हमें एंशिएंट आइस कोर्स में C13 की बजाय C12 का कंपाउंड अधिक मिलता है, तो ये एक एडवांस सिविलाइजेशन का कारनामा ही हो सकता है। दूसरा सबूत, आज हम एक एडवांस सिविलाइजेशन हैं, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा होने वाले न्यूक्लियर वेस्ट की आयु काफी अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर प्लूटोनियम 244 की हाफ लाइफ 80 मिलियन ईयर्स है और क्यूरियम 247 की हाफ लाइफ 15 मिलियन ईयर्स है। ये ऐसे आइसोटोप्स हैं जो नेचुरली सिर्फ सुपरनोवा विस्फोट में ही पैदा होते हैं और अर्थ पर अननेचुरली इंसान द्वारा ही पैदा किए जा सकते हैं। अगर प्राचीन समय में किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया होगा, तो हमें ये आइसोटोप्स मिलने चाहिए, जिनसे हमें उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। तीसरा सबूत, हम जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो डीकम्पोज होने में काफी समय लेती है, और आज वैज्ञानिक इसी प्लास्टिक वेस्ट समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन जहां ये एक समस्या है, वहीं ये हमारी एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत भी है। प्लास्टिक काफी समय तक भी डीकम्पोज नहीं होता। ऐसे में अगर हमें प्लास्टिक जैसा कोई वेस्ट मटेरियल समुद्र तल के अंडरग्राउंड में या पृथ्वी के भूगर्भ में मिले, तो ये एक एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत माना जा सकता है। चौथा सबूत, आर्टिफैक्ट्स ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई आधुनिक सभ्यता हमारी जितनी एडवांस होगी, तो उनके कई टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हमारे दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर मिल सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कई ऑब्जेक्ट्स किसी कारण से चांद, मंगल और अन्य ग्रहों पर छोड़ दिए हों। अगर हम ऐसे आर्टिफैक्ट्स फाइंड कर पाएं, तो ये एडवांस सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना ये है कि फिलहाल एक एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन को मानना उनकी एक कल्पना मात्र है, ना कि कोई दावा। लेकिन विज्ञान इसी तरह काम करता है, जहां पहले कल्पना की जाती है और फिर उसके पक्ष में मिली एविडेंस के साथ एक थियरी बनाई जाती है और इतिहास की नई परतें खुलती रहती हैं।
इसीलिए साइंटिस्ट्स इस पॉसिबिलिटी को भी एक चांस दे रहे हैं। पर खुशी की बात तो ये है कि अगर पृथ्वी पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी तो उसके इनडायरेक्ट सबूत हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ना सिर्फ हम अपने पास्ट सिविलाइजेशन को खोजने की कोशिश में हैं, बल्कि हम आज अपनी सिविलाइजेशन के सबूत भी दुनिया में छोड़ रहे हैं। जैसे कि वॉयजर स्पेस प्रोब पर लगी गोल्डन प्लेट, जो कि करोड़ों सालों तक अंतरिक्ष में हमारी सिविलाइजेशन के सबूत के तौर पर रहेगी। वहीं आर्क मिशन फाउंडेशन के तहत इंसानों द्वारा समझे गए अब तक के नॉलेज को प्रिजर्व करने का काम किया जा रहा है, जो हमारे अब तक के सारे नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जिसके लिए एस्ट्रोबायोटिक पेरेग्रिन मून लैंडर को एक रॉकेट द्वारा चांद पर ले जाया जाएगा। इसमें विकिपीडिया पर मौजूद सारी जानकारी और सभी भाषाओं की जानकारी एक माइक्रोफिंच में स्टोर होगी, जिसे 1000 मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप से पढ़ा जा सकता है। ये लैंडर चांद पर अरबों साल तक सुरक्षित रहेगा। अगर ये किसी तरह उल्कापिंड की वजह से नष्ट हो जाए तो ऐसी और भी कई लैंडर्स सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों पर भेजे जाएंगे। इस तरह अगर हमारी सभ्यता नष्ट भी हो जाए तो हमारा ज्ञान भविष्य की एडवांस सभ्यताओं के लिए सुरक्षित रहेगा। हमारी धरती लगातार कई खतरों का सामना कर रही है और अब तक हमारी धरती पर 5 बार लाइफ खत्म हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि किस तरह एक नाकारा एस्ट्रॉइड ने सारे डायनासोर्स को खत्म करके धरती पर लाइफ को एंड कर दिया था। और ऐसे में ये हाइपोथेसिस आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हमें अब तक मिले अपने ज्ञान को किसी फॉर्म में सुरक्षित रखना चाहिए? और इससे बड़ा सवाल, अगर पास्ट में पृथ्वी पर कोई एडवांस सभ्यता रही होगी तो क्या उसने अपनी नॉलेज को कहीं सुरक्षित रखा होगा? आप सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप खोजबीन करते रहिएगा।